नाउ अब हम देखते हैं 32 का और वाला क्वेश्चन। ये बेसिकली एक मैट्रिसेस कंटिन्यूड से ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो इक्वेशंस है वो आपको बनी बनाई नहीं दे रखी, यहाँ पर वो इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज टू इफ ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड द सम इज वन, एंड इफ फाइव टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड एंड थर्ड वी गेट सिक्स। तो तीन कंडीशंस आपको दे रखी हैं, उन कंडीशन से हम उन इक्वेशंस को बनाएंगे एंड देन उन्हें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो वो तीन नंबर्स हम मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x एंड सेकेंड नंबर इज y एंड थर्ड नंबर इज जेड। अब पहली कंडीशन आपसे क्या कह रही है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इज टू। यदि आप तीनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, टू मिलता है। तो हम यही कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, टू के। ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन उसने क्या दे रखी है, इफ द ट्वाइस ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज एडेड टू द सम। ट्वाइस मतलब सेकेंड नंबर का ट्वाइस करना आपको, और वो फर्स्ट और थर्ड नंबर से आप जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, इसमें वन मिलता है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई कि सेकेंड नंबर का ट्वाइस करके फर्स्ट और थर्ड के सम के साथ जोड़ देंगे तो हमें वन मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है कि इफ फाइव टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो पहले नंबर का फाइव टाइम्स करेंगे, इज एडेड टू द सेकेंड एंड थर्ड, इज एडेड टू द सेकेंड एंड थर्ड वी गेट सिक्स। तो हमें क्या मिलता है, सिक्स। तो हमने केवल उन कंडीशंस को यूज किया है एंड अपनी जो मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसको बना लिया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही होगा। तो इस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जहां पर ए एक्स वाई जेड का कोफिशियंट होता है 1 1 1 1 2 1 5 1 1, एंड बी क्या होता है, ये इज इक्वल टू में जो कोफिशियंट्स दे रखे हैं, ये और एक्स है आपके, वो तीनों नंबर्स एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं इसके अलोंग निकाल रहा हूं, पहली रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस 1, देन उसके बाद -1 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 5, देन उसके बाद 1 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 10। अब देखिए यहां पर आया 1 और यहां पे आया माइनस का 4 और वो हो जाएगा आपका इससे टकरा के प्लस का 4, और यहां पे क्या हो गया आपका 1 माइनस माइनस का 9, 1 माइनस 10 इज माइनस 9। तो ये हो गया माइनस का 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब हम इसमें ए इनवर्स निकालते हैं, उससे पहले हम को फैक्टर्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ए 1 1, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ने पर ये डिटर्मिनेंट बचा है 2 1 1 1। अब माइनस 1 की पावर इवन नंबर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे मिलेगा हमें 2 माइनस 1 इज 1। देन उसके बाद ए 1 2, तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 5 1, 1 1 5 1, माइनस 1 की पावर ऑड नंबर, तो ये माइनस आएगा यहां से इंटू 1 माइनस 5, और ये अंदर से आ रहा है माइनस का 4 और इससे टकरा के क्या बन जाएगा, प्लस का 4। देन इसके बाद हम निकालेंगे ए 1 3, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 5 1, 1 2 5 1,
माइनस वन की पावर इवन नंबर, ये तो पॉजिटिव रहेगा, वन माइनस टेन, तो ये आ गया माइनस का नाइन, वन माइनस टेन इज माइनस नाइन। देन इसके बाद हम निकालते हैं ए टू वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर टू प्लस वन। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा यहां पर वन 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 वन, टोटल वन 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 बच रहा है आपका, तो यहां से ऑड माइनस आएगा, बट यहां पर वन माइनस वन इज जीरो, तो ये जीरो हो गया आपका। देन उसके बाद ए टू टू की वैल्यू निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ दें, वन वन फाइव वन, वन वन फाइव वन, तो यहां से इवन नंबर आ रहा है, वन माइनस फाइव इज माइनस फोर। देन इसके बाद ए टू थ्री, तो माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो वन वन फाइव वन, माइनस वन की पावर एक ऑड नंबर मिली है आपको, तो ये माइनस रहेगा, यहां पर वन माइनस फाइव, ये हो गया प्लस का फोर। देन इसके बाद हम निकालेंगे ए थ्री वन, माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ दें तो बचा क्या है यहां पर, वन वन टू वन, वन वन टू वन, माइनस वन की पावर इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव रहेगी, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा वन माइनस टू इज माइनस वन। देन उसके बाद ए थ्री टू, माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो वन 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 वन, यहां पे बचा आपका माइनस वन की पावर ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव रहेगा आपका, एंड देन इसके बाद यहां पर आएगा वन माइनस वन इज जीरो। ए थ्री थ्री, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, तो यहां पर इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो वन 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 टू, वन 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 टू, तो ये हो गया माइनस वन की पावर इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव रहेगा, एंड टू माइनस वन इज वन। अब हम निकालते हैं एड जॉइंट ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है आपका, तो कोफैक्टर्स को लिखें, वन फोर माइनस नाइन, वन फोर माइनस नाइन, जीरो माइनस फोर फोर, माइनस वन जीरो वन, और इसका ट्रांसपोज करते ही हमें एड जॉइंट मिल जाएगा। तो रोज पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, वन फोर माइनस नाइन, जीरो माइनस फोर फोर, माइनस वन जीरो वन। अब इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइंट को हमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने पर मिलता है, ए इन्वर्स होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए को डिवाइड करना होता है। तो सॉल्यूशन क्या था हमारा, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स की वैल्यू हम लिख देंगे यहां पर, डिटर्मिनेंट कितना आया था माइनस फोर, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, वन जीरो माइनस वन, फोर माइनस फोर जीरो, माइनस नाइन फोर वन, एंड बी यहां पर बी लिखना होगा, बी क्या है टू वन सिक्स, मल्टीप्लाई करें इनको, माइनस वन बाई फोर, वन इंटू टू इज टू, जीरो इंटू वन इज जीरो, एंड माइनस सिक्स इंटू सिक्स इज माइनस सिक्स। देन उसके बाद फोर इंटू टू इज एट, माइनस फोर इंटू वन इज माइनस फोर, एंड जीरो इंटू सिक्स इज जीरो, माइनस नाइन इंटू टू इज माइनस एटीन, प्लस फोर इंटू वन इज फोर, एंड सिक्स इंटू वन इज सिक्स। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस वन बाई फोर, यहां पर आया माइनस का फोर, यहां पर एट माइनस फोर इज फोर, एंड यहां पर टेन और माइनस का टेन, माइनस का एट, सॉरी क्या आएगा, माइनस का एट, ये बन गया टेन, और माइनस एटीन प्लस टेन हो गया माइनस का एट। इस माइनस फोर से इसको मल्टीप्लाई कर दें सभी को, तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस का वन, ये हो जाएगा माइनस का वन, ओके, एंड ये हो जाएगा आपका यहां पर माइनस का एट, तो ये माइनस का एट डिवाइड करने पर बन गया टू। एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, वो थी एक्स वाई जेड, एंड यहां पे है वन माइनस वन टू, तो एक्स की वैल्यू क्या है वन, वाई की वैल्यू क्या है माइनस वन, एंड जेड की वैल्यू क्या है आपकी इसमें टू मिली है आपको।
तो यही एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी इसमें। तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमें इसके लिए मिल गई हैं। तो हमें इसमें बेसिकली नया क्या था, हमारे लिए इन इक्वेशंस को फॉर्म करने का जो प्रोसेस था वो बेसिकली नया था। बाकी जो प्रोसेस है वो आपकी एज सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चंस ही है, उसमें कोई खास चेंज नहीं है आपका। तो बस आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से बनाना है एंड फिर आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, उनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें इसमें बतानी है। तो यहाँ पर आप देखिए, कोई मान लीजिए x1, y1 और z1 पॉइंट है, उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है ax माइनस x1 बी y माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। अब इन तीनों में से हम सबसे पहले एक पॉइंट ले लेंगे, उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, सबसे पहले पॉइंट को ले लें इसमें 210। तो 210 से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू y माइनस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये इससे पास हो रहा है, बट ये प्लेन उन दोनों पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो मतलब वो दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे आपके। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं इक्वेशन, सिंस द प्लेन पासिस थ्रू, किससे पास कर रहा है आपका, 3, -2, -2 एंड 317, इनसे पास कर रहा है। देयरफोर दीज पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई इट। तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे आपका। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देन अब पहले पॉइंट को हम इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं, a इंटू में एक्स वाई जेड की वैल्यू जगह रखेंगे 3 -2 प्लस b इंटू में -2 -1 प्लस c इंटू -2, -0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आया 3 -2 is 1 a, -3b -2c इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा a इंटू में 3 -2 प्लस b इंटू में 1 -1 प्लस c इंटू में 7 -0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिला हमें a प्लस 0b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके ध्यान से देखिए, यहां पर इस प्लेन में केवल हमें ए बी सी की वैल्यू और मिल जाए तो प्लेन की इक्वेशन तो है ही हमारे पास। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं यहां से ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा इसके अंदर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए वालों के यहां से -3 × -7 = -21, देन उसके बाद -2 × 0 = -0। देन आप b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो -2 × -1 = -2 एंड यहां पर 1 × 7 = -7, ये -7 हो गया। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो 1 × 0 = 0 -3 × 1, ये हो जाएगा -3 और ये बन जाएगा +3 बाय दैट फार्मूला। तो यहां से आया है a अपॉन -21 बी अपॉन -9 सी अपॉन 3 इज इक्वल टू लेमडा। अब इससे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से, तो a बराबर आया है आपका 21 लेमडा, b बराबर आया है आपका -9 लेमडा और c बराबर आया है 3 लेमडा। सभी को बारी बारी हम लेमडा के इक्वल में लेके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब इस ए बी सी की वैल्यू को हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग a b एंड c इन फर्स्ट। तो यहां पे आ जाएगा आपका 21 लेमडा इंटू x माइनस 2 प्लस
माइनस 9 लैम्डा इंटू वाई माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, पूरी इक्वेशन में से हम 3 लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, सभी में है, 3 लैम्डा कॉमन लेके उसको इस तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। इनफैक्ट इसमें से हम यहां पर माइनस का 21 लैम्डा है, सॉरी ए बराबर आएगा माइनस का 21 लैम्डा, तो माइनस 3 लैम्डा कॉमन लेते हैं इसमें से, तो यहां बचेगा माइनस चला जाएगा, 3 चला गया लैम्डा, तो यहां बचा 7 इंटू एक्स माइनस 2 और यहां पे बचा प्लस का 3 इंटू वाई माइनस 1 और यहां पे आ जाएगा माइनस का साइन इंटू जेड माइनस 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 7x माइनस 14 प्लस 3y माइनस 3 और ये माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आया 7x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 17 इज इक्वल टू 0। और यही क्या आ रही है आपकी इक्वेशन आ रही है उस प्लेन के लिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बस आपने देखा कि सबसे पहले एक पॉइंट को आपको ले लेना है एंड उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, देन रिक्वायर्ड जो दो बचे पॉइंट हैं उनको उसमें सेटिस्फाई करना है, वहां से दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को यहां रखते ही आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। आपको एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखी है और उसके एलिप्स का कितना एरिया बनता है वो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम इसका डायग्राम बनाएं, तो बेसिकली इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। यहां पर हमें बेसिकली नहीं पता है कि ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है, तो हम इसको जनरली अपने हिसाब से बना लेंगे। तो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो, इसके माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा माइनस बी। तो ध्यान से देखिए, मैं केवल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इस एरिया को कैलकुलेट कर लूंगा पहले और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते ही पूरे एलिप्स का एरिया मुझे मिल जाएगा। मैं सभी का अलग अलग नहीं निकालूंगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया को निकाल लेंगे एंड देन उसको 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। यहां पर है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 टू a, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, वो 4 इंटू एक्स कहां से कहां जा रहा है, 0 टू ए वाई ऑफ एलिप्स, इस एलिप्स के नीचे वाला एरिया, और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे आ गया 4 इंटू 0 टू ए वाई ऑफ एलिप्स, यहां से वाई ऑफ एलिप्स निकालते हैं, इसको इधर ले जाओ, वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू सब पर रूट आएगा और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये सॉल्व होके मिलेगा हमें प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सिंस जो वाई है यहां पर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई केवल पॉजिटिव होता है, तो वाई की वैल्यू को हम केवल पॉजिटिव लेंगे, तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, बी बाई ए बाहर आ जाएगा, तो 4b बाई ए 0 टू a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और ये तो सीधा फॉर्मूला होता है हमारा, तो फॉर्मूले को हम ओपन कर देंगे, 4b बाई ए फॉर्मूला क्या होता है, x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो वही फॉर्मूला यहां पर लगा दिया 0 टू a। अब हम इसमें लिमिट्स को पुट करेंगे, तो लिमिट्स को पुट करने पर क्या वैल्यू मिलेगी, 4b बाई ए, पहले a को पुट करेंगे, जब a को यहां पुट करोगे तो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ये तो 0 हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स
ए बाई ए, ये हो गई अपर लिमिट पुट, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 आएगा तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, ये अपर लिमिट पुट हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू थीटा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन 1 किस पर होता है आपका, साइन 1 होता है पाई बाई 2 पर, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी आपको पाई बाई 2, मतलब इसको सॉल्व करने पर आपको पाई बाई 2 मिलेगा यहाँ पर। तो पुट कर देते हैं 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, अब साइन इनवर्स 0 को सॉल्व करते हैं थीटा, इसको इस तरफ ले जाएंगे 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 0 किस पर होता है, 0 पर होता है, तो ये हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करने पर 0 मिलेगा, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी। अब इस 0 को यहाँ से हटा दें तो ये टर्म मिलेगी आपको, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ए बी पाई स्क्वायर यूनिट्स क्या है आपका, इस एलिप्स के द्वारा बनने वाला एरिया है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर पाई ए बी क्या मिलेगा आपको, एरिया है, तो बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एरिया निकालें, देन उसको 4 से मल्टीप्लाई करते ही आपको पूरे एलिप्स के लिए एरिया मिल जाएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 34 के और वाला पार्ट देख लेते हैं, और वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे वो देखिए जरा। यहाँ पर फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, तो आपको एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल ने कितना एरिया एनक्लोज्ड कर रखा है, क्वाइट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ही है ये, तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका मैं फिगर बनाऊं तो ये एक सर्कल है आपका, जिसका सेंटर तो ओरिजिन है बट जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, ए रेडियस है, तो ये वाली रेडियस ए है, ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा ए, ये भी यहाँ पर इस तरफ ये हो जाएगा आपका माइनस ए कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा माइनस बी। तो हम इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका, पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो देखिए जरा कैसे, यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल 0 टू ए वाई ऑफ सर्कल डीएक्स, मतलब इस सर्कल के नीचे वाला एरिया हम इसमें निकाल देंगे। 0 टू ए वाई ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जरा ध्यान से देखें, इस वैल्यू को मैंने अभी सॉल्व किया है 0 टू a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको दोबारा सॉल्व कर लेना, मैं इसकी वैल्यू जो आई है वो डायरेक्टली यहां पर लिख लेता हूं, इससे समय की बचत हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आई थी हमारी, वो आई थी ए स्क्वायर पाई बाई 4, तो हम इसकी जगह रख देंगे यहां से यूज करके ए स्क्वायर पाई बाई 4, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका एरिया क्या मिला है हमें, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट, सो इसका एरिया क्या है आपका, पाई ए स्क्वायर या ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया मिला है। आप इसको इसी तरीके से, यही फॉर्मूला लगेगा, सेम लिमिट्स हैं तो वैल्यू भी सेम ही आएगी, बट अगर ये अलग से आता है तो आपको वहाँ पर ये सॉल्व करना होगा, साथ में आए हैं तो हमने इसको यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा कंसेप्ट दोनों में सेम ही लगा था, वहाँ पर केवल एलिप्स था, यहाँ पर एक सर्कल था आपका, तो ये सर्कल वाला थोड़ा इजी पड़ता है इससे, तो बस आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसा केस बनता है तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते ही पूरे सर्कल, जब पूरा जो भी सेक्शन दे रखा है आपको, या फिर मैं कह दूं कॉनिक जो कर्व दे रखा है, पूरा एरिया उसका मिल जाता है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है हमें, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है,
एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं, और वो हमसे कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है आपका। तो देखिए, हम सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटीज आपको दे रखी हैं इनकी इक्वेशंस को ड्रा करेंगे एक फिगर के लिए। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो ग्राफ ऑफ x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8। इनइक्वालिटी वाला साइन नहीं लेना है क्योंकि ग्राफ बनता है केवल इक्वेशंस का, ना कि इनइक्वालिटीज का। तो हमें इक्वेशन इज इक्वल टू साइन यहां पर लेना होता है। तो वो देखिए क्या हो गया, x y, जब हम x को जीरो लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 4, और जब y को जीरो लेंगे तो x की वैल्यू 8। सेम इस तरीके से ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहां पर x, यहां पर y। तो जब x जीरो लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 6, और जब y को जीरो लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। x की वैल्यूज 8 तक जा रही हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहां पर भी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। तो 0,4 पॉइंट यहां पर होगा, x 8, y 0, तो 8,0 पॉइंट यहां पर है। दोनों से एक लाइन ड्रा कर देंगे हम। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस लाइन की इक्वेशन क्या आई है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8। देन अगली लाइन के लिए 0,6, तो 0,6 पॉइंट ये है, और 4,0, तो 1, 2, 3, 4,0 पॉइंट यहां पर है। दोनों से एक लाइन ड्रा कर देंगे हम। तो ये इस लाइन की इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब मैं इनका फिजिबल रीजन देखता हूं कि फिजिबल रीजन कहां पर बनेगा इनका। ये कॉर्नर पॉइंट्स, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका। तो पहले हम इस इनइक्वालिटी को लेते हैं, x और y की जगह 0 रखेंगे, और केवल ये साइन लेना होता है, इज इक्वल टू वाला नहीं लेना होता। 0 इज लेस देन 8, क्या ये बात सही है कि 0 8 से छोटा होता है? सही बात है। तो मतलब इस वाली लाइन का जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8, इसका एरिया ओरिजिन की तरफ होगा, फिजिबल रीजन। देन उसके बाद इस वाली लाइन को देखते हैं, यहां पर x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे, तो लेस देन 12। 0 इज लेस देन 12, ये बात भी सही है आपकी। मतलब इस लाइन का भी जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, या फिर ये लाइन ओरिजिन को कंटेन करेगी आपका। तो ये अब x और y इनका होगा इस तरफ, तो इनके बीच में ये एरिया बन रहा है आपका। ये क्या है आपका, फिजिबल रीजन है। इसको कुछ नाम दे दें, ओ ए बी सी। तो आपके पास टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दोनों के इंटरसेक्शन से निकालने होंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर है आपका x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8, और यहां पर है 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 12। तो पहली इक्वेशन में से मैं दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं यहां पर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहां मिला माइनस 2x, और यहां पे आया आपका माइनस का 4। तो x की वैल्यू मिली है हमें 2। x की वैल्यू 2 को आप यहां पर डाल देंगे तो 2y, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस 2 6 हो गया, 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ये रफ वाला पार्ट है आपका। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, x 2 आया है एंड y 3 आया है। अब सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर मैं z की वैल्यू निकाल लूंगा, तो z है हमारा, उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले z एट o 0,0 पर x और y दोनों की 0 रख देंगे, तो ये 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। देन उसके बाद z एट a मीन्स 4,0 पर, तो माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, ये हो जाएगा माइनस का 12। देन उसके बाद z एट नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है आपका b 2,3, तो वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, माइनस 6 प्लस 12, ये कितना हो गया आपका,
सिक्स हो गया। देन उसके बाद z एट c, c क्या है आपका 0.4, तो 0 प्लस 4 इंटू 4 इज 16। तो हमने जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल ली है। अब इनमें से जो z की वैल्यू वो सबसे कम किस पर आई है आपकी, आप यहां पर देखें -12 सबसे कम वैल्यू है आपकी, तो किस पर आई है ये, z इज मिनिमम एट 4.0 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 12। अब ये मिनिमम किस पर आया है, 4.0 पर, एंड इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 12 है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने मॉडल टेस्ट पेपर 5 को कंप्लीट कर लिया है, एंड इससे आगे का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।